जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडे एक्शन मोड में दिख रही हैं। शहर के अरवल मोड़ पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे खुद अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरी और बिना हेलमेट के बाइक चला रहे दर्जनों बाइक सवारों को पकड़ा, उनका चालान काटा गया। इस कार्रवाई से वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही थी। आम लोग भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके मद्देनजर शिकायतें भी आ रही थी और हेलमेट पहनना तो जैसे लोग भूल ही गए हो। शिकायतों के मद्देनजर सोमवार को जिले का दौरा करने के बाद डीएम मुख्यालय की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में कई बाइक सवार बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिख गए, जिसके बाद डीएम ने शहर के अरवल मोड़ पर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरकर सड़क पर मोर्चा संभाल लिया और बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे करीब 25 बाइक सवारों को पकड़ा। जब्त सभी वाहनों के कागजात की जांच की गई, फिर उनका चालान काटने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में डीएम ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 से 30 वाहनों को पकड़ा गया, जिसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। डीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और वाहनों को यातायात नियमों के तहत ही चलाएं, ताकि वो भी सुरक्षित रहें, किसी दुर्घटना से बचे रहें और चालान भी ना कटे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। वायलेशन करते हुए पाए गए हैं, उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है। जो हेलमेट के बिना पाए गए हैं, करीब करीब 25-30 गाड़ियों को अभी रोक करके उन पर फाइन लगाया जा रहा है और ये एनफोर्समेंट की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं? 25-30 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनके ऊपर फाइन होगा, बाकी भी अगर कागज नहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी फाइन होगा। क्या लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि सभी ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करते हुए चलाएं, ताकि हमारे हिट एंड रन के केसेस कम हो और ट्रैफिक पे एक्सीडेंट्स कम हो, डेथ्स कम हो। मैडम, अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक काफी अतिक्रमण रहता है। अतिक्रमण का अभियान भी शुरू किया जा रहा है, आज से ही आपको कुछ कार्रवाई होती हुई दिखेगी और पूरी टाउन रोड को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर रहे हैं।